अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है कढ़ाई पनीर। तो सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले ली है लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, तेजपत्ता, और यहाँ पर लेंगे हरी इलायची और बड़ी इलायची। गैस को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे, हल्का से इसे हम रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। ये मैंने जो सारी चीज़ें ली हैं इसी हिसाब से आप थोड़ा डबल या ट्रिपल मसाला ले लें और इस तरह रोस्ट करें, और रोस्ट करके इसे बारीक पीस कर और एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम डालेंगे एक जार में और इसे ठंडा करके पीस लेंगे। तो ये कढ़ाई मसाला हो गया तैयार, इसे रखेंगे एक तरफ। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच की करीब ऑयल, 1 टीस्पून जीरा और 3 से 4 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी फ्राई करने के बाद में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच डाल देंगे अदरक का पेस्ट और थोड़ी देर इसे भून लेंगे। 4 टमाटरों को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया, ये डाल देंगे और इसी के साथ पाउडर मसाले डाल देंगे। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे नमक। और बस ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर भून लेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे दही। तो ये 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे हम दही और इसमें डाल देंगे कढ़ाई मसाला जो हमने बना कर रखा था। तो बस ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर भून लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को हम थोड़ी देर और भून लेंगे। ये सारे मसाले को थोड़ी देर भूनना है तो इसे हम रखेंगे दूसरे चूल्हे पर, फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और यहाँ पर पनीर और सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे इसमें ऑयल और यहाँ पर हमने लिए शिमला मिर्च, इसे क्यूब में काट लिया है, प्याज इसे भी क्यूब में काट लिया है, टमाटरों का गूदा हटाकर और इसे इस तरह क्यूब में काट लिया है। यहाँ पर ये पनीर लिया है, पनीर को भी इस तरह बड़े बड़े पीसों में हमने काट लिया है। तो ये तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए, यदि तेल हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं पकाना है, छोटे फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पनीर। इसे 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पर पका लिया है, अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे अब हम डालेंगे ग्रेवी में। मसाला भी अच्छी तरह भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी, इसके करीब पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ये सारी सब्जियाँ और पनीर, और ये सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। फ्लेम अभी हमने यहाँ पर फुल कर रखा है। 1/2 कप के करीब डाल देंगे इसमें मलाई, अगर क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। अच्छे से करेंगे इसे मिक्स और बस 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। फ्लेम को अभी यहाँ कर देंगे स्लो, फ्लेम को यहाँ स्लो रखेंगे और इसे हम ढाँक कर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। इसे 3 मिनट पकाने के बाद में गैस को करेंगे हम बंद और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे करेंगे डिसाउ, इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे करेंगे अब डिसाउ। आप इसे लच्छा पराठे के साथ खाएं या सिंपल पराठे के साथ या कुलचे के साथ, ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई पनीर बनता है। रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।